उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान श्रद्धालुओं से अलग अलग स्थानों पर अभद्रता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा नेता समर्थकों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में धरने पर बैठ गए। मौके पर एसपी पहुंचे, जहां उन्होंने अभद्रता करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। दरअसल यहां पर भाजपा नेता चंद्र विजय सिंह उर्फ छोटू बना धरना देने पहुंचे। छोटू बना का कहना था कि महाकाल सवारी के दौरान सवारी में अलग अलग जगह पर श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महाकाल मंदिर के पंडे पुजारी और पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। इस प्रकार की अभद्रता दोबारा ना हो, इसलिए भाजपा नेता धरना देने पहुंच गए। क्यों धरना देना पड़ा? एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कि मैंने भी देखा है। उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गई सोमवार के दिन यहाँ पर आए थे सवारी के अंदर, और उस सवारी के अंदर पुलिस कर्मियों द्वारा और एक पंडे द्वारा महाकाल के बाहर से आए श्रद्धालुओं के साथ बर्बरता से मारपीट की गई है, और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अकेला आया था भूख हड़ताल करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ 20-25 लोग भूख हड़ताल के लिए बैठ गए, ये और भी बढ़ सकते हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या करें, बाहर की पुलिस आई थी, ऐसा वैसा करके गोल गोल बातें कर रहे हैं। और मेरा कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से अनुरोध है कि उन पे एफआईआर हो, और कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि पंडे वो महाकाल से बाहर का रास्ता दिखाएं। एसपी साहब का कहना है कि आपके इस धरने प्रदर्शन में कुछ कमी थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ हार फूल लाए, प्रसाद लाए और भगवान की प्रतिमा रखवाई। क्या कमी रही? हम तो यहाँ के भूख हड़ताल पे मैं अकेला बैठा था, धीरे धीरे मैं अकेला आया, कारवा बनता गया। अब वो उनका विषय है, वो क्या बोल रहे हैं, हमारा विषय तो साफ है। महाकाल के नाम खराब हो रहा है पूरे देश भर में, बाहर से आए हुए श्रद्धालु क्या संदेश देंगे? उज्जैन का नाम खराब हो रहा है। मैं उज्जैन वासियों से भी अपील करता हूँ कि इस घटना का पुरजोर विरोध करें, ताकि आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। क्या पोस्ट है आपकी? चंद्र विजय सिंह छोटू बना, कोई पोस्ट नहीं, मैं भक्त के नाते आया हूँ, मेरी अंतरात्मा रो रही है, इस कारण से आया हूँ। मामला धार्मिक था, इसलिए एसपी सचिन शर्मा ने संवेदना दिखाते हुए अपने कार्यालय से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा धरना स्थल पर रखवा कर आरती कराई। साथ ही धरने पर बैठे लोगों की बात सुनकर आश्वासन दिया कि अब आगे ऐसी घटना नहीं होगी। कुछ लोग कंट्रोल बोर्ड के बाहर धरने पर बैठे थे, क्या इनकी मांगे थी? उज्जैन जिले में एक सवारी में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काफ़ी दुखद घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इसका संज्ञान पहले ही लिया गया था, और इसमें जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी थे वो जिले के बाहर के थे। तो इसमें हम लोग रिपोर्ट बनवा के भिजवा रहे हैं, और वीडियो का संज्ञान लेते हुए पंचनामा बनवाते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भविष्य में की जाएगी। और जितने भी उज्जैन जिले में लोग आते हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, और खेद व्यक्त करता हूँ। भविष्य में मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहाँ पे जो लोग धरना देने आए थे उनसे भी हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है, और हमारा यही प्रयास रहेगा, ये लोग भी यदि इनका मन द्रवित है, जो विधि सम्मत कार्रवाई हो हम लोग करेंगे, और इनसे भी हम क्षमा मांग चुके हैं। नहीं, ये यहाँ पे सामान्य स्वयं पूजा वगैरह कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जो कमियां हैं वो पूरी कर देनी चाहिए। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।